कि हम पत्थरों की पूजा करते हैं, गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करते हैं, ठीक है, वो एक मानव भी बनाता है उस मूर्ति, हाँ, उस मूर्त को बना करके जिसने बनाया तो वो उसका पिता हो गया, और उसी के सामने जैसे मेरा बच्चा है, हमने उसको जन्म दिया, मेरे सामने होगा, अब वो बड़ा होकर हम उसके पैर छूंगे क्या? मैंने जिसको जन्म दिया उसी के पैर छूना तो बेकार है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हिंदू मजहब के अंदर मूर्ति पूजा का कंसेप्ट कैसा है और मूर्ति पूजा करना वाकई में ठीक है या गलत है। आज की इस वीडियो में अनिरुद्ध आचार्य से इसी बारे में सवाल किया गया कि हम जिस भगवान को खुद अपने हाथों से बनाते हैं उसी की पूजा क्यों करते हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ और मैंने उस बेटे को पूजना शुरू किया, इसके बारे में बताएं। देखिए पंडित का अजीब सा बेवकूफाना जवाब सुनिए, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर जाकिर नायक साहब से भी इस बारे में पूछा गया कि मूर्ति पूजा हिंदू मजहब में क्या करना ठीक है या गलत है, या हिंदू मजहब की किताबों में मूर्ति पूजा के बारे में लिखा गया है नहीं, इसके बारे में बताएं। देखिए डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने उसके बारे में बड़ी डिटेल से बताया, आइए देखते हैं आज की वीडियो। एक सवाल लास्ट पूछ लूं, आप 10 पूछिए, 10 पूछिए। जैसे आपने कहा कि हम पत्थरों की पूजा करते हैं, जैसे मैंने कोई जैसे कोई चीज बनाई, मैंने अपने हाथों से हथौड़े से बना करके उसको मूर्त बना के जैसे कि गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करते हैं, ठीक है, वो एक मानव ही बनाता है उस मूर्त को, उस मूर्त को बना करके जिसने बनाया तो वो उसका पिता हो गया, ठीक है, ठीक है, और उसी के सामने जैसे मेरा बच्चा है, हमने उसको जन्म दिया, मेरे सामने होगा, अब वो बड़ा होकर हम उसके पैर छूंगे क्या? जिसको बनाया उसी के पैर, मैंने जिसको जन्म दिया ना, उसी के पैर छूना तो बेकार है ना। देखो तर्क जो है ना, तर्कों की भी एक मर्यादा होती है जी, उसी मर्यादा में सर मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा तर्क करने योग्य है, कौन सा तर्क करने योग्य नहीं है। अब आपने कहा जो मूर्तिकार होता है ना बेटा, वो सिर्फ मूर्ति बनाता है, उसने उसको मतलब रूप दिया, एक हाँ रूप दिया, दे दिया रूप दिया। अच्छा ये बताओ कि मूर्तिकार ने जो रूप दिया वो रूप लाया कहाँ से? वो अपने मेहनत करके माइंड से ना बेटा, आप ठीक कह रहे हैं, हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी हुई है, मूर्तिकार ने पत्थर का केवल बाहरी आवरण हटाया, मूर्ति बाहर से लाके पत्थर में डाला नहीं, मूर्ति तो ऑलरेडी पत्थर में थी, बाहरी आवरण हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। और पत्थर की मूर्ति मूर्तिकार तो बनाता है, पर तब तक वो भगवान नहीं होती जब मूर्ति को लाकर के वेद मंत्रों के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, तब वो भगवान होते हैं ना बेटा। एक रूप में आप भी भगवान हो, आपकी माँ भी भगवान है, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, सी राम मैं सब जग जानी, सब भगवान है, कण कण में है तो श्री कृष्ण, पर बोला जाएगा कि ये संसार है, संसार कुछ नहीं है बेटा, ईश्वर ही संसार है, मिट्टी ही घड़ा है, सोना ही आभूषण है, आभूषण अलग से नहीं आए, गोल्ड ही है, उसी तरह तुम भी भगवान हो, ये भी भगवान है, तुम्हारे बच्चे भी भगवान है, तुम्हारे घर में जो पेड़ लगा है वो भी, तुम्हारी गौ माता, तुम्हारी बकरी, सब ईश्वर है, सी राम मय सब जग जाने। अगर मैंने सबको अगर ईश्वर माना तो हमारा ये देश आज इतना पीछे क्यों है? बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कॉन्सेंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धर्म किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि लिखा है श्वेता सेतार उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तत्स्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपकी मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कॉन्सेंट्रेशन के लिए, जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं, पहले पहले शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं,
बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते, आठवीं नौवीं दसवीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2+2=5, आपने कहेंगे गलत है मैं जानता हूं, दसवीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2+2=5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2+2=4 is the foundation। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगु होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूँ कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूँ कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें ज़रूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की, हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए। और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में जीरो है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूँ, चैप्टर नंबर वर्स नंबर, इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूँ मैं। आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूँ बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? सर, आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट यू सेड। माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। बहन, भगवत गीता डज इट से दैट यू हैव टू आइडल वर्शिप? Sister, I don't want you to be very religious. At least be little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship. Which verse? Hindu mazhab kya kehta hai khuda ke baare mein, bhagwan ke baare mein, ishwar ke baare mein? Agar aap koi Hindu se puchhenge ke wo kitne khuda mein manta hai, कितने ईश्वर में मानता है, कितने भगवान में मानता है, तो आपको जवाब मिलेगा, कोई हिंदू कहेगा 3, कोई कहेगा 100, कोई हिंदू कहेगा 1000, कोई कहेगा 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक ऐसे हिंदू से पूछेंगे जो अपने हिंदू मजहब के किताब का मुताला कर चुका है और हिंदू मजहबी किताब पढ़ चुका है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए और एक ही खुदा में मानना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फलसफे में मानता है जिसे कहते हैं पैंथियज्म। पैंथियज्म के मानी एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। आम हिंदू मानता है कि सब कुछ खुदा है, चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान ये कहते हैं और ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो अहम फर्क हिंदू और मुस्लिम में है, आम हिंदू कहता है सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। ये फ़र्क सिर्फ का है। अगर ये का के फ़र्क को मिटा देंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। इस फ़र्क को मिटाने के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलिमतिन सवा इम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। वला नुशिक भी शैयों, कि हम आपस में किसी को शरीक ना करें। वला नुशिक भी शैयों, वला यत्तखीज अबादुन अबादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में किसी को रब ना बनाएं। फइन तवल्लो फकुलु शहदु बिअन्ना मुस्लिमून, और अगर वो कहना नहीं माने तो आप शहादत दो कि हम मुस्लिम हैं और हम अल्लाह सुबहाना व तआला की इबादत करते। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, इसमें जरूर लिखिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।